ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत कुछ देर में होगी। अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था। क्या तफसीलात है नुमाइंदा न्यूज में अहमद नवाज से जान लेते हैं। अहमद नवाज आगाह कीजिएगा, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत कब तक शुरू होगी? पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाब से मुतालिक जो मुतफरिक दरखास्तें हैं उन पर समाअत करेगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक अकबर एस बाबर समेत लोग जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तें जमा कराई हुई हैं और उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं वो साफ शफाफ नहीं हुए। तो इलेक्शन कमीशन आज पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक जो दरखास्तें इलेक्शन कमीशन को जमा कराई गई हैं उन पर आज इब्तदाई समाअत करेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक जो दरखास्तें आई हैं उन पर जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब करेंगे और ये केस जो है इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तों की समाअत कुछ देर बाद होगी। अकबर इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया गया था और हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज ने हमें अपडेट किया। अहमद आपका